हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक लव स्टूडियो। मैं हूं रश्मि, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल सके। सो बिग बॉस 12 में हो रही है बहुत बड़ी फाइट, यानी कि काल कोठरी की सजा के लिए बिग बॉस ने रोमिल को ये ऑप्शन दिया कि आप तीन नाम दे, और उन्होंने पहला नाम दिया मेघा का। और रीजन ये था कि वो हमेशा औकात में रहने और एग्रेसिव एब्यूजिव वर्ड यूज करती है, और इस बात पे मेघा काफी ज्यादा भड़क जाती है। और मेघा बोलती है कि अगर मैंने गलत वर्ड यूज किया, औकात में रहने का मतलब ये होता है कि लिमिट में रहना, मतलब जो लिमिट आप लोग क्रॉस करते हो मेरे साथ, मैंने वो उस बातें में की। और अगर गाली देने की वजह से मैं जाऊंगी तो इस घर में सुरभि भी जाएगी, क्योंकि सुरभि मुझसे कई ज्यादा गालियां देती है। और मेघा इस बात पे अड़ जाती है कि मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं गई तो इसका मतलब सुरभि को भी भेजो जेल। और फिर रोमिल कहीं ना कहीं रोमिल बोलता है सुरभि को कि मुझे आपको जेल भेजना पड़ेगा। और इस बात पे सुरभि काफी ज्यादा भड़क जाती है कि अगर मैं गलत हूं तो इस घर में सारे के सारे लोग गलत, अगर मेरा बोलना गलत है, मैं अगर गाली देती हूं तो मैं एक लिमिट में रह के गाली देती हूं, ना कि किसी को भी जबरदस्ती कुछ भी बोल देती हूं, तो आपको मुझे जेल भेजने का कोई राइट नहीं है। अब इस बात पे मेघा और सुरभि दोनों ही कैप्टन रोमिल से काफी ज्यादा लड़ाई करते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या रोमिल सही डिसीजन ले रहा है, या फिर वो कहीं ना कहीं अपनी जो खुन्नस है वो निकाल रहा है? आप हमें कमेंट के थ्रू जो बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।